ये मुर्गियां भी बाकी मुर्गियों की तरह अंडे देती हैं, लेकिन अपने मालिक के साथ मिलकर वो एक और कमाल कर रही हैं। वो रेगिस्तान को हरा भरा कर रही हैं। लैटिन अमरीकी देश पेरू में चिंचा आल्टा के आसपास का इलाका सूखा और बंजर है। यहाँ बारिश ना के बराबर होती है, इसलिए ये जगह खेती के लिए मुनासिब नहीं है। फिर भी यहाँ खूब हरियाली है। 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में लगे कीनू के पेड़ फलों से लदे हैं। इसका पूरा श्रेय मुर्गियों को और उनके मालिक की मेहनत को जाता है। हम बहुत सालों से रेगिस्तान में खेती कर रहे हैं। शुरू में लोगों ने हमें पागल समझा। वैसे भी आप अच्छी जमीन पर ही फल उगाते हैं, लेकिन आज हम रिकॉर्ड मात्रा में कीनू उगा रहे हैं और वो भी रेगिस्तान के बीचों बीच। ये मुर्गियों का ही कमाल है कि ये रेगिस्तानी जमीन उपजाऊ हो गई। यहाँ 60 लाख मुर्गियां हैं। शुरू में वास्को का इरादा सिर्फ उनके अंडे बेचने का था, लेकिन जब उन्होंने खुद को टखनों तक मुर्गियों के मल में खड़ा पाया तो उन्हें आइडिया आया, क्यों ना इसे खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने मुर्गियों के बचे कुचे खाने को भी इसमें मिला लिया। मुर्गियां मक्का खाती हैं, लेकिन कुछ छोड़ भी देती हैं। ये उन्होंने छोड़ दिया है। पहले हम इसे जला देते थे या फेंक देते, लेकिन अब हम इसे बायोचारकोल बनाते हैं और ये हमारे खाद का अहम हिस्सा है। वास्को जैविक कचरे को एक नियंत्रित प्रक्रिया के तहत जलाते हैं, जिसे पायरोलिसिस कहते हैं। ये अमेजन के मूल निवासियों का सदियों पुराना तरीका है। बायोचारकोल में बहुत पोषक तत्व होते हैं। ये पेड़ों के लिए आदर्श खाने का स्रोत है। लेकिन वास्को इसमें मुर्गियों का मल भी मिलाते हैं, कुछ और चीजें भी डालते हैं और फिर उनसे खाद की ये गोलियां बनती हैं। इनमें से कुछ कीनू के पेड़ों में इस्तेमाल होती हैं, जबकि बाकी बेच दी जाती हैं। सर्कुलर इकोनॉमी के तहत हम सब कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, प्रकृति ऐसे ही काम करती है। सिद्धांत सीधा सा है, संसाधनों का बार बार इस्तेमाल करें, इससे पैसे भी बचेंगे और कचरा भी नहीं होगा। राजधानी लीमा में जर्मन विकास एजेंसी GIZ पेरू के पर्यावरण मंत्रालय को मशविरा देती है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कारोबारियों को सर्कुलर इकोनॉमी के तौर तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस कार्यक्रम को जर्मन सरकार की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल से भी आर्थिक मदद मिलती है। मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर इस तरह की पहल को मदद देने का अवसर पाकर बहुत खुश हूँ। ये एक बड़ा बदलाव है, सोच का बिल्कुल नया तरीका। हमें मदद करनी होगी ताकि ये बदलाव सफल हो सके। अनुभवों का लाभ उठाने के लिए वो उन कारोबारियों से बात करती हैं जो ये बदलाव कर चुके हैं, जैसे कि पाल्मीरो ओकाम्पो। पाल्मीरो लीमा में शेफ हैं और वो अपनी सारी सब्जियां एक ऑर्गेनिक फार्म से खरीदते हैं। आज का मेन्यू है सौंफ। वे पौधे का हर हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, वो भी जिसे दूसरे शेफ फेंक देते हैं, जैसे कि फूल। मैं इन कुछ फूलों को लेता हूँ, इनमें गजब की खुशबू है। पाल्मीरो ने एक पहल शुरू की है, कोरी। जनजातीय केचुआ भाषा में इसका मतलब होता है खजाना। इसका मकसद दूसरे शेफों को ये सिखाना है कि खाने का पूरी तरह इस्तेमाल कैसे करें। हमने कोरी की स्थापना खाद्य पदार्थों का पूरा इस्तेमाल कर पेरू के खान पान को ज्यादा टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से की है। हम खाने की बर्बादी और भुखमरी को रोकना चाहते हैं। वो अपनी ताज़ा सब्जियों को एक स्थानीय सूप किचन में ले जाते हैं। यहाँ के कर्मचारियों को उनकी नसीहतें अच्छी लगती हैं। ये वॉलेंटियर यहाँ ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना पकाते हैं। यहाँ एक बार के खाने की कीमत है करीब 90 रुपया, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो मुफ्त में खा सकते हैं। रोनाल्ड वागेमन कुकिंग टीम को नई रेसिपी दिखाते हैं, सौंफ और चुकंदर का सलाद, जिसमें सब्जी का हर हिस्सा इस्तेमाल हुआ है।
इसे फलों के छिलके से बने सिरके और पपीते के पिसे हुए बीजों के साथ सर्व किया जाता है। इस पपीते को देखिए, हम बिना कुछ खोए इसे बीज बाहर निकाल सकते हैं। आम तौर पर बीज और छिलके कूड़े में जाते हैं, यहाँ उनसे सॉस बनता है। सौंफ के फूलों से फिनिशिंग टच दी जाती है। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ। पहले हम कितना कुछ फेंकते थे, अब हम सब इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं फेंकते। ये शेफ दूसरों को बता रहे हैं कि ये कैसे होता है। वास्को मासियास भी चाहते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी का ये तरीका दूसरी जगहों पर भी पहुंचे। अगर रेगिस्तान में इस कदर फल उगते हैं तो संभावनाएं अपार हैं।